अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे जी। ये जो एलन मस्क बाबा है, इसने कमाल कर दिया। हम तो अभी ये सोच रहे थे कि यूट्यूब जो है उसको भी कोई कम्पीट कर पाएगा, लेकिन एलन मस्क बहुत जोर की सोचता है। ये इतनी दूर की सोचता है कि इसने उसकी नींव आज ही रख दी। इसने एक बड़ा जबरदस्त जो है वो ट्वीट दिया, जिसके अंदर कहा गया कि भाई ट्विटर के ऊपर सब्सक्रिप्शन सिर्फ उस बंदे को मिलेगी जो कि लॉन्ग कंटेंट डालेगा, लॉन्ग वीडियो डालेगा और पिक्चर्स और कुछ वैल्यूएबल जो है ना वो डाटा ऐड करेगा। हर एक बंदे को सब्सक्रिप्शन नहीं दी जाएगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं, जाहिर सी बात है कि ट्विटर के ऊपर लोग जो है वो फेमस भी होते हैं, वो अपना नाम भी बनाते हैं, वो वहां से पैसे भी कमाते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। अब इसने उसकी नींव कर दी। अगर ट्विटर भी यही काम करना शुरू कर देगा, ट्विटर जो है वो यही काम करना शुरू कर देगा कि लोग वहां पर अपने लॉन्ग कंटेंट डालेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, जाहिर सी बात है सब्सक्रिप्शन के लिए भी उन्होंने पहले एक ट्वीट की थी, तो ये लॉन्ग कंटेंट डालेंगे तो जाहिर सी बात है यूट्यूब से लोग जो है वो आस्ता आस्ता ट्विटर की तरफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये सारा का सारा पैराडाइम जो है वो ट्विटर की तरफ आस्ता आस्ता जाना शुरू कर देगा और लोगों के पास एक और जो है वो प्लेटफॉर्म नजर आ जाएगा, जिस तरह पहले एक फेसबुक है या फिर आपके पास टिकटॉक है, तो अब इनके साथ आपके पास एक ट्विटर जो है वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नजर आ जाएगा जहां पर आप अपनी वैल्यूएबल कॉन्टेंट जो है वो डाल सकते हैं। तो लिहाजा एलन मस्क जो है वो तो वैसे भी इंजीनियर है और सुपर स्मार्ट बंदा है और वो दूर की सोचता है, तो उसने ये काम रख दिया, उसने ये नींव रख दी। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे ये किस तरीके से करेगा, लोग जो है वो किस तरीके से जाएंगे। ये आस्ता आस्ता जो चीजें यूट्यूब प्रोवाइड करता है वही चीजें ये आस्ता आस्ता जो है वो अपने ट्विटर के ऊपर लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर देगा और लोगों का पैराडाइम जो है वो आस्ता 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 जो है वो कुछ जो ऑडियंस है वो लोग जिनको ये लगता है कि वो यूट्यूब के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते तो क्या करते हैं, वो उठकर या फेसबुक पे चले जाते हैं या टिकटॉक पे चले जाते हैं, वहां पर नहीं कामयाब होते तो वो सोच रहे होते हैं हम क्या करें। तो अब उनके पास एक और जरिया आ गया कि वो ट्विटर के ऊपर जाएंगे और वहां पर जाकर अपनी वीडियोस डालेंगे और वहां पर जाकर जो है वो अपने आप को फेम दिलवाने की कोशिश करेंगे। अब ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी फेसबुकर्स हैं या जितने भी टिकटॉकर्स हैं, ये सबके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है कि वो साथ साथ जो है वो अपना डाटा जो है वो ट्विटर के ऊपर भी डालना शुरू कर दें और वहां पर भी लोग जो है वहां की जो ऑडियंस है वो भी इनको देखना शुरू कर देगी। वहां की ऑडियंस जो है वो हाई तबके की है, जिस तरीके की भी है, तो उस तरह का आप कंटेंट वहां का फॉलो करके आप डालना शुरू करेंगे तो लोग वहां पर भी आपको जो है वो देखना शुरू करेंगे। और जिस तरह आप इंस्टाग्राम और बहुत सारी जो है स्नैप वीडियो, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप अपनी वीडियोस डालते हैं, अब आपके पास ट्विटर भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गई है जहां पर आप जो है वो अपनी वीडियोस डाल सकते हैं। अभी तो वहां पर कुछ लिमिटेशंस हैं, आप कुछ अल्फाज हैं जिनकी एक लिमिट है कि आप उतने अल्फाज जो है वो लिख सकते हैं, एक वीडियो है तो उससे ज्यादा एक खास डेढ़ मिनट दो मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं डाल जा सकती। तो लिहाजा अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी है। अब ट्विटर क्या कर रहा है, आस्ता आस्ता इसको अपडेट कर रहा है। तो जी हाँ, एलन मस्क ने जो है वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको अच्छी तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।